रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने ई कॉमर्स मॉडल को सबसे पहले गुजरात में आजमाएंगे। अंबानी प्रभावशाली तरीके से ई कॉमर्स सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। रिलायंस का नया वेंचर ठीक उसी तरह अमेज़न और फ्लिपकार्ट को चुनौती दे सकता है जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में उतरते ही प्रतिद्वंद्वियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में अपने प्लान के बारे में बताते हुए अंबानी ने खुलासा किया कि वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सबसे पहले गुजरात में लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि जियो और रिलायंस रिटेल के नए ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से गुजरात में 12 लाख दुकानदारों को फायदा होगा। अंबानी ने कहा कि जियो का नेटवर्क 5G सेवाओं के लिए तैयार है, इसलिए अब उसकी दूर संचार इकाई और खुदरा कारोबार इकाई मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जो छोटे खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और ग्राहकों को आपस में जोड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि जियो 5G सेवाएं कब शुरू करेगा। अंबानी का रिटेल प्लान ऑनलाइन या ऑफलाइन 2019 में इंडिया इंक की रणनीति के लिए अहम होगा। विदेशी कंपनियों पर फरवरी 2019 से लागू होने जा रहे सख्ती कॉमर्स नियमों से इसे और बल मिलेगा। ऐसा होगा यह बाजार जियो के जरिए कंपनी 25 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ चुकी है। अंबानी अब पैसा बनाने और निवेश बढ़ाने के लिए अपनी प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए वह फैशन से फूड तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से फाइनेंशियल सर्विसेज तक उपलब्ध कराएंगे, यहां तक कि विज्ञापन का भी कारोबार होगा। यह है प्लान। मुकेश अंबानी का प्लान 5000 शहरों और कस्बों में फैले 500 से ज्यादा जियो पॉइंट स्टोर के इस्तेमाल का है। इसके जरिए वह बिना इंटरनेट एक्सेस वाले और ऐसे लोगों तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है। 10 साल में 3 लाख करोड़ का निवेश। देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को गुजरात में अगले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वह ऊर्जा, नई तकनीक से लेकर डिजिटल कारोबार सहित कई परियोजनाओं में यह निवेश करेंगे। गुजरात पहली पसंद, मुकेश अंबानी ने कहा। गुजरात रिलायंस की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। गुजरात हमेशा से हमारी पहली पसंद रहा है और रहेगा। रिलायंस समूह ने रिलायंस जियो के माध्यम से दूर संचार क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है। उन्होंने कहा, हमने गुजरात राज्य में अब तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है और यहां करीब 10 लाख लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए हैं। पिछले दशक की तुलना में रिलायंस आने वाले 10 साल में अपने निवेश और रोजगार की संख्या को दोगुना करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।